मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 27 से लेकर 31 तक पढ़िए। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, उजियाले में कहो, और जो तू और जो कानों कान सुनते हो हाँ उसे शतों पर से प्रचार करो। हाँ जी, जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, उनसे मत डरना पर उसी से डरो, परंतु उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को एक दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ, किसे डरना है? जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में क्या करता है? नष्ट करता है। ये कौन है? ये सेनाओं का यहोवा है। और कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? 27 वचन में क्या लिखा है? कहता जो तुम गुप्त में सुनते हो उसको कैसे प्रचार करो? उजियाले में प्रचार करो। फिर किधर प्रचार करना? छतों पर से। और अगला ही लाइन क्या बता रहा है कि प्रचार करते वक्त क्या नहीं करना? डरना नहीं है। जो शरीर को नाश कर सकते हैं उनसे नहीं डरना है। क्या कहते हैं यीशु मसीह? उससे डरो जो प्राण और शरीर दोनों को नष्ट करता है आग में डालकर, नरक में डालकर। यहोवा प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, बाइबल कहती है। साथ ही साथ क्या भी लिखा है? वह भस्म करने वाली आग है। क्या कहता? आई एम अ जेलस गॉड, जलन रखने वाला ईश्वर हूं। तुम मुझे छोड़कर पराये देवताओं की पूजा करोगे, आई विल सेंड डिसीज, मैं तुम्हारे मध्य में बीमारियों को भेजूंगा, रोगों को भेजूंगा। यहोवा कैन डिस्ट्रॉय यू ऑन द अर्थ एज वेल एज इन हेल। यहोवा परमेश्वर हमें इस धरती पर भी नष्ट कर सकता है और साथ ही साथ नरक की आग में भी नष्ट कर सकता है। इधर भी उसको अथॉरिटी है, हमारे साथ जो चाहे वो कर सकता है। हारून के पुत्रों के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्या नाम था उनका? नदाब और अभियू। क्या चढ़ाया? पराई धूप। आगे एक लाइन लिखा है, वो धूप चढ़ाई जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। हर एक वो काम जो हम करते जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी, चाहे वो किसी भी चीज का विषय हो जो यहोवा ने नहीं कहा है हम कर रहे हैं, आप डेंजर में है। 10 अध्याय, प्रोफेन फायर, लेवी 10, एक वचन पढ़िए। तब नदाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने हाँ अपना अपना धूप दान लिया हाँ और उसमें आग भरी, आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को हाँ जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी हाँ यहोवा के सम्मुख अर्पित किया हाँ। तब यहोवा की आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। अगर हमारे कलीसिया में कुछ शिक्षाएं ऐसी आ गई हैं जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी है तो चर्च डेंजर में है, खतरे में है। क्या उतरा आगे? तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, तब यहोवा के सम्मुख से आग उतरी और उन दोनों को भस्म कर दिया, उन दोनों को भस्म कर दिया है और वे यहोवा के सामने मर गए। मर गए। क्या कर रहे हैं? वर्शिप ही तो कर रहे हैं ना, वर्शिप ही तो कर रहे हैं। धूप लेकर गए हैं ईश्वर के मंदिर में। क्या हुआ कि वो धूप नहीं है जो यहोवा ने आज्ञा दी है, कोई और ही धूप चढ़ा दी है? क्या फर्क पड़ता है? ये फेस देखें यहोवा का, कौन है डर भय के योग्य? हाँ जी, पादरी लोग नाम के आगे लिख लेते ना, रेवरेंट है, भय योग्य। यहोवा है रेवरेंट, भय योग्य, जिससे हमें भय खाना, समझ रहे हैं? तू रेवरेंट शब्द जो आपने आगे ऐसे लगा लेते हैं कि मैं आदर योग्य हूं मेरे नाम के आगे। किसी पास्टर से नाम पूछो तो नाम के साथ पास्टर भी बता देते हैं, आई एम पास्टर फलाना। आपसे आपका काम नहीं पूछा गया है, नाम पूछा गया है, नाम के साथ पास्टर खुद ही लगा देते। हेलो, आई एम पास्टर डेविस। क्या जरूरत है? ये टाइटल क्या है? अब लोग प्रेरित लिख लेते हैं, अपोस्टल लिख लेते हैं। अपोस्टल का मतलब क्या होता है? भेजा हुआ, जिसको भेजा गया है।
अपोस्टल कोई ऐसा टाइटल थोड़ी ना है कि जिसको हम बोले कि बड़ा हाई रैंक है ये। अपोस्टल मतलब किसी ने आपको कुछ काम करने के लिए भेजा। मानो आप दफ्तर में काम करते हो, शरीर ने आपको एक लेटर दिया, जा रंधीर ये पोस्ट करके आ। ये सेवकाई है, सेवा है, नौकर है हम प्रभु के, समझ रहे। कौन है रेवरेंट, कौन है भय योग्य? प्रभु यहोवा भय योग्य है, उससे हमने डरना है। देखिए धूप चढ़ाया है, आसमान से आग उतरा है। आसमान से आग उतरने का मतलब बिजली गिरी है आसमान से। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है बिजलियां यहोवा के हाथ में होती, जिधर चाहे उसको गिरा देता है। समझे, बिजली गिरी है इनके ऊपर, यहोवा भय योग्य है, उससे डरना हमने। हालेलुया। फिर आगे, तब मूसा ने हारून से कहा, हाँ। ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। हाँ, कहता जो मेरे नजदीक आए उसने मुझे क्या जानना है, पवित्र जानना है, और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। हाँ, सारी जनता के सामने मेरी महिमा करनी है। और हारून चुप रहा, हारून की बोलती बंद हो गई। यहोवा ने लाल समुन्दर दो हिस्से किया, बड़े बल के साथ मिस्रियों को पानी में डुबा कर परमेश्वर इनको बाहर लेकर आया है। हम बड़े खुश हो गए हैं, यहोवा ने हमें चुन लिया है, ये खतरा है, उसने चुन लिया आपको। समझ रहे, यहोवा ने यदि आपको चुना है आप डेंजर जोन में आ गए हो, अब बख्शेगा नहीं हो। पढ़िए आमोस 3:2, यहोवा जिसे चुनता है उसको उसके सारे पापों की सजा भी देता है। चुने हुओं से ज्यादा सख्ती से चलता है वो। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। हाँ, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। इस कारण मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कामों का, सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। परमेश्वर ने चुन लिया, आपकी डेंजर जोन में एंट्री हो गई है। आप अब आए हैं यहोवा के छिकंजे में। क्या लिखा है, यहोवा के हाथ में पड़ना, ये भयानक बात है। पढ़ा है वचन में? हाँ, यहोवा के हाथ में पड़ना क्या है जी, ये भयानक बात है। कहता है मैंने तुमको चुना है तो मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों की सजा भी तुमको दूंगा। ऐसा सख्त है वो, बदल गया है, पुराने नियम में अलग है, नए में अलग हो गया है, चेंज हो गया परमेश्वर है, परमेश्वर का स्वभाव बदल गया। उत्पत्ति 6 पढ़िए, उधर लिखा है वो पछताया है मनुष्य को बना के, उसने उसको डिस्ट्रॉय किया, मनुष्य को, उसमें से कुछ को बचाया जिनके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हुई। और कृपा दृष्टि ऐसे ही नहीं होती, कैसे होती है, उधर पढ़े उसका नूह का कंडक्ट कैसा धर्मी व्यक्ति है, अपने समय के लोगों में खरा है, खराई से चलता है, इसलिए अनुग्रह हुआ उस पर, इसलिए प्रभु ने दया की। अय्यूब को देख लें, क्या लिख, क्या क्या बातें लिखी हैं उसके विषय में, बुराई से दूर रहने वाला, सीधी चाल चलने वाला, यहोवा का भय मानने वाला, समझ रहे, प्रतिदिन अपने बच्चों को शुद्ध करता, वो एवरी डे उनके लिए सैक्रिफाइस करता है, बलिदान चढ़ाता है। कहीं इन्होंने अनजाने में अपने दिल में यहोवा को शाप दिया हो, गाली दी हो, निंदा की हो, प्रभु इनके अधर्म को लहू के बदले क्षमा करे, बलिदान चढ़ाता है एवरी डे। आप जानते हैं लहू कितना जरूरी है। शैतान ने जब अय्यूब को मारा तो सबसे पहले उन बलिदानों को मारा जिनको वो यहोवा के आगे चढ़ाता था। लहू के द्वारा कनेक्शन होता है यहोवा के साथ। सबसे पहले उसके जानवरों को मारा उसने, मेंढों को मारा, मेंढों का चरवाहा भागते हुए आया कि सब मेंढे मर गए हैं। मैं बच के आया हूं समाचार लेकर,
सबसे पहले शैतान ने उसके जानवरों को मारा ताकि यहोवा के साथ ये कनेक्शन ना बना पाए। फिर जब दोबारा कनेक्शन जुड़ा यहोवा के साथ, कैसे जुड़ा? वो लोग जो निंदा करते थे, जो अय्यूब को जज कर रहे थे, उनको परमेश्वर ने बोला जाओ लहू लेके जाओ उसके पास, बलिदान लेके जाओ अय्यूब के सामने चढ़ाओ। वो बलिदान लेकर आए, लहू के द्वारा फिर से यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब के साथ संबंध जोड़ा। ये लहू इतना कीमती है, खैर उसके विषय में हम फिर कभी सीखेंगे। तो यहोवा क्या है जी? भय योग्य है। आप यहोवा परमेश्वर को सवाल नहीं कर सकते अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपने हालातों को लेकर यहोवा परमेश्वर के आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अय्यूब दानियल 4:35 में लिखा, कहता कौन उसके हाथ को पकड़कर रोककर उसको ये कहे कि तूने ये क्या किया? कौन सवाल कर सकता है यहोवा परमेश्वर? वो भय योग्य है, उससे डरना हमने, उसके भय में चलना है। कल रात को हम पढ़ रहे थे लेवी व्यवस्था 26 अध्याय, थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर आज्ञाएं मानेंगे तो आशीष ही आशीष होएगी, अपरंपार आशीष प्रभु देगा, ऐसी आशीष देगा, ऐसी बरकत देगा कि आपका सोल अंदर से तृप्त हो जाएगा। जो दाऊद लिखता है ना, वो जी में जी ले आता है, भजन संहिता 103 में, कौन है जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, कौन है जो तेरे पापों को मिटा देता है, कौन है जो तेरे जी को जी में जी ले आता है। जब कोई संतुष्ट करने वाली चीज हम हासिल कर लेते हैं तो जी में क्या आ जाता है? जी आता है। जिस चीज की हम डिजायर करें वो चीज हमारे पास आ जाए, वो हमें मिल जाए, तो जी में क्या आ जाता है? जी आ जाता है। यहोवा ऐसी आशीष देता है, आपको संतुष्ट कर देता, चारों ओर से सेटिस्फाई कर देता, ऐसी ब्लेसिंग।